एसएस नेचुरल फार्म पर ये गंध चिकित्सा करते हुए आज ये मेरे स्टूडेंट यश दादी चाह गए, तो मैंने कहा ब्राह्मण भी है और गंध चिकित्सा भी हो रही है। यश ठीक लगा? हाँ बढ़िया। ये गंध चिकित्सा में क्या क्या मटेरियल हम काम में लेते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। इससे पूरे सवा बीघा में हमने ये गंध चिकित्सा कर दी। ये लगभग हम रोज़ करते हैं, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी व्यवस्था नहीं बैठती है या नहीं आ पाता हूँ, रुक भी जाती है, पर लगभग ये हम रोज़ करते हैं। गंध चिकित्सा करने से एक तो हमारे प्लांट्स मजबूत रहते हैं, लैंड की नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, जो भी हमारे फ्रूट्स को यूज़ करते हैं उनमें पॉजिटिविटी आती है, और जितने भी ये इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट हमेशा गंदगी में और इनमें ही रहते हैं, तो वो इंसेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। हमने देखो ये इंसेक्ट को ये ट्रैप लगा रखे हैं, जो भी इंसेक्ट हैं वो कलर के प्रति और गंध के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो ये ट्रैप उनको इस पे गूंद चिपका हुआ रहता है, और ट्रैप का मतलब ही जाल होता है, तो इस जाल में वो फंस जाते हैं, आके चिपक जाते हैं, तो हमें जहर नहीं छाटना पड़ता और गंध चिकित्सा के माध्यम से भी हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लोग कहते हैं पोली हाउस की फार्मिंग पॉइजन वाली होती है, लेकिन हम यहाँ पर बिना पॉइजन की खेती कर रहे हैं। हमारी खीरा प्रोडक्शन भी अच्छा है, और इस पत्ते की साइज़ भी आप देखेंगे तो पत्ते की साइज़ बहुत अच्छी है, ग्रीनरी भी आपको दिख रही होगी, जबकि हमारे आसपास लगभग 200 पोली हाउस है। वो सारे लोग ताजुब कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक में भी पोली हाउस हो सकता है। हमारा ये प्रयास चल रहा है, अभी तक तो हम सक्सेस हैं, आगे देखते हैं कैसा रहता है। हम ताज़ा खीरे और ये ऑर्गेनिक खीरे आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इधर से ले चलो, पूरे में हो गया, थोड़ा और ले लो। यहाँ बाउंड्री बाउंड्री